गाइज, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको बोलने से पहले उनके रूल्स को बड़े ध्यान से देखेगा, आपको बहुत काम आएंगे। नंबर वन, अगर किसी वर्ड में जी से पहले डी आए तो उसमें डी साइलेंट रहता है, जैसे कि ब्रिज, जज, नॉलेज। नंबर टू, अगर किसी वर्ड में ओ से पहले एच आए तो उसमें एच साइलेंट रहता है, जैसे कि ऑनर, आवर, ऑनेस्ट। नंबर थ्री, अगर किसी वर्ड में एन से पहले जी आए तो उसमें जी साइलेंट रहता है, जैसे कि डिजाइन, साइन। एंड लास्ट नंबर फोर, अगर किसी वर्ड में एम के बाद बी आए तो उसमें बी साइलेंट रहता है, जैसे कि बॉम, बॉम, थम, डम। गाइज, आपको इंग्लिश के अमेजिंग रूल्स की नॉलेज कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अक्षर संत के नाम से मशहूर हरे केला हजब्बा जी को पद्मश्री से नवाजा गया। खास बात यह है कि उन्हें कभी स्कूली शिक्षा मिल ही नहीं पाई। एक बार उनका सामना कुछ विदेशी टूरिस्ट से हुआ, जिन्होंने उनसे अंग्रेजी भाषा में संतरों के दाम पूछ लिए, लेकिन वो संतरों के दाम अंग्रेजी भाषा में नहीं बता पाए और उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके बाद उनके दिमाग में स्कूल खोलने का आइडिया आया। उनके गांव न्यूपा डापू में कोई स्कूल नहीं था और हजब्बा जी ये नहीं चाहते थे कि जो उन्होंने झेला उनकी आने वाली पीढ़ी भी झेले। इसके बाद उन्होंने संतरे बेचकर अपनी जमा पूंजी से एक स्कूल बनवाया ताकि बच्चे स्कूली शिक्षा हासिल कर सके। इसी वजह से संतरे बेचने वाले 64 साल के हरिकेला हजब्बा जी को देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री दिया गया। गाइज, आपको हरिकेला हजब्बा जी का ये जज्बा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। इलेक्ट्रिक कार्स के साथ सबसे बड़ी समस्या डिस्चार्ज होने पर उसे टाइम टू टाइम चार्ज करने की है, और ये बहुत बड़ी हेडेक है। लेकिन नीदरलैंड की एक कंपनी लाइट ईयर्स ने समस्या का समाधान निकाल लिया है। उन्होंने एक ऐसी कार बनाई है जिसे हर महीने सिर्फ एक ही बार चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। और ये कंपनी यहीं तक ही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने एक ऐसा गोल सेट किया है जिससे कार को 6 महीने में सिर्फ एक ही बार चार्ज करने की जरूरत पड़े। ये कार अभी दो तरीके से चार्ज होती है, एक तो चार्जर से और दूसरा सोलर पैनल से। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी दावा है कि ये कार अपने बेहतरीन फीचर्स के कारण बहुत ही जल्द टेस्ला कार को भी पीछे छोड़ देगी। गाइस, क्या आपको ये लगता है कि लाइट ईयर्स की ये कार एलोन मस्क की टेस्ला कार को पीछे छोड़ पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।